आज हमारे साथ हैं द वेरी वेल नोन पाइल्स स्पेशलिस्ट सुरेंद्र काले एंड डॉक्टर श्वास है। तो पाइल्स एग्जैक्टली होता क्या है? एक्चुअली टॉयलेट में होने वाली जितनी भी तकलीफें हैं उसी को कॉमन कॉल्डली पाइल्स कहते हैं। बट हमारी भाषा में या हमारी किताबों में पाइल्स ये वर्ड कहीं पर नहीं होता है। जैसा एनोरेक्टल डिसीजेस, मतलब एनल कैनल में होने वाली जो डिसीजेस है उसको हम कॉमनली पाइल्स बोलते हैं। और ये यूजुअली कैसा है कि पेशेंट के जहन में हमेशा यही रहता है कि वो जगह पर सिर्फ एक ही बीमारी होती है, बट ऐसा नहीं है। देर आर द 50 टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, 50 प्रकार की बीमारियां वहाँ पे होती है। और हर बीमारी पे मेरा उद्देश्य वही है कि पेशेंट को हर बीमारी के बारे में पता रहे। और पेशेंट ने डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। जब तक पेशेंट को ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर अलग अलग बीमारियां हैं, तब तक पेशेंट डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, तब तक उनकी बीमारी का डायग्नोसिस होगा नहीं, उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होगा। यूजुअल में ऐसा होता है कि पेशेंट लोग जब भी कोई सिम्टम, इनिशियल सिम्टम, जैसे कि सिम्टम मैं पिछले इसमें शो में डिस्कस कर चुके हैं, पेशेंट को एनल इचिंग होगा, पेशेंट को ब्लीडिंग होगा, पेशेंट को वो जगह पर पेन होगा या गुदा से कोई पोर्शन बाहर निकलेगा, तो ये जो भी कुछ सिम्टम्स है इन बीमारियों के, ये बीमारी का पहला सिम्टम जब भी दिखता है, जैसे कि पेन हुआ बट थोड़ा सा एट द टाइम ऑफ पासिंग द मोशन, ब्लीडिंग हुआ बस हार्डली एक हाथ बूंद, तो ये जो भी फर्स्ट सिम्टम है पेशेंट को दिखते हैं, तो उसी सिम्टम पर पेशेंट ने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो भी डॉक्टर इसमें स्पेशलिस्ट है, जिनका ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं किसी पेशेंट को नॉर्मली, तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? हर बीमारी के जो कॉजेस है पहले तो वो कॉजेस ढूंढना है। हम लोग क्यों बोलते हैं कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए? डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर क्या करेंगे, आपके जो डिसीज हुआ है उसके कॉज ढूंढने की कोशिश करेंगे। हर बीमारी के या मैक्सिमम बीमारी के तीन कॉज होते हैं। पहला जो फैक्टर रहेगा डिसीज फिजियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि हमारा जो लाइफस्टाइल बन चुका है, हमारे लाइफस्टाइल के कारण जो गड़बड़ी हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। आपकी फिजियोलॉजी बिगड़ गई, हम सांस लेते, हम लोग खाना खाते, हम लोग पानी पीते, दिस इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी ऑफ अवर बॉडी। तो फिजियोलॉजिकल जो कॉजेस है, खाने में डाइट चेंजेस करना है आपको, अगर खाने में गड़बड़ी हो रही, तो सोने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें करेक्शन करना है, ये पहला कॉज हो गया। दूसरा कॉज रहेगा पैथोलॉजिकल कॉज, अगर समझो डिसीज है इंटेस्टाइन में कोई डिसीज है, जैसे कि मैडम ने बताया वहां पर स्पाजम हो गया, मतलब क्या है, जगह छोटी हो गई है, टेम्पररी छोटी हो गई है, टेम्पररी छोटी हो गई है, कारण वहां पे स्वेलिंग आ गया, एनल कैनल में कहीं पर भी स्वेलिंग आ गया। अब कारण क्या हो सकता है, या तो वहां पर होने वाली इंजुरी या तो वहां पे होने वाला इन्फेक्शन, ये मोस्टली दो कॉज। थर्ड कॉज अगर किसी का सिटिंग ज्यादा समय के लिए है तो वहां पर आने वाला जो ब्लड फ्लो है वो ब्लड फ्लो प्रॉपरली रिटर्न नहीं होता, ऐसे समय में टेम्पररी जो स्वेलिंग आती है, तो वो टेम्पररी जो स्वेलिंग आती है उसके कारण वो जगह से सिकुड़ जाती है उस समय के लिए। वो एक दिन से लेकर 21 डेज तक रह सकती है। तो ये जो फेज है 1 डे से 21 डेज का, ये पेशेंट में कैसा होता है कि अगर वहां पर छूते हैं, किसी प्रकार से उंगली टच करते हैं, तो पेशेंट की जगह सिकुड़ जाती है टेम्पररी। तो मोशन भी आते वक्त पेशेंट को पेन होता है। तो जैसा मोशन हार्ड होगी उस कारण इंजुरी होगी, वहां पर चीरा पड़ गया, इसको हम लोग फिशर बोलेंगे। तो वो जो इंजुरी हो गई उसके कारण भी वो जगह सिकुड़, जैसे मैडम ने बताया था कि हाथ पर इंजुरी हो गई, हम लोग वो हाथ अतक बचा के रखते कहीं पर टच ना हो जाए। तो ये हमारा खुद का मैकेनिज्म है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में वो जो ऑर्गन है वो सब सिकुड़ जाता है कुछ समय के लिए, इसको बोलेंगे हम एनल स्पाज्म। तो कॉज पहला हो गया ट्रॉमेटिक, किसी भी कारण से ट्रामा हो गया उसके कारण हो गया। दूसरा हो गया फिजियोलॉजिकल, अगर आप ज्यादा देर बैठते हो उसके कारण होगा या खाने पीने के कारण होगा। थर्ड होता है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल कॉज में ऐसा है कि अगर आपको डायरिया हो गया, बॉडी में इन्फेक्शन, डायरिया मतलब क्या होता है, हमारे पेट में इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन कारण मोशन लूज होते हैं, वो 2 times 3 times 4 times 5 times, अगर कोई ऑर्गन को समय से ज्यादा बार यूज किया जाए तो डेफिनेटली वहां पर प्रॉब्लम तो होना ही होना है। तो और उस वक्त क्या होता है, उस वक्त अंदर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, वो रीजन में सूजन आती है, उसमें बैक्टीरिया घुस जाते हैं, तो स्वेलिंग और बढ़ जाती है। तो उस कारण से भी, सूजन आने के कारण भी बॉडी उसको खींच के रखती है हमारे शरीर में। तो ये है एनल स्पाज्म बाय द कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल। तो इसके तीन फैक्टर हैं। इसीलिए पेशेंट को जब जब समय के लिए पेन रहा, हालांकि वो मोशन पास कर रहा, उसको 2 मिनट के लिए पेन है, 10 सेकंड के लिए पेन है या 1 घंटे के लिए पेन है, मेरा कहना हमेशा यही रहता है कि आप जब भी पेन होता है फर्स्ट टाइम 10 सेकंड के लिए क्यों ना रहे, यू रीच टू द डॉक्टर, गेट द ट्रीटमेंट। तो ये बहुत जरूरी नहीं कि वो डिजीज आपको भी है, लाइक अगर आप कोई सिम्टम पाते हैं अपने आप में, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, और कंसल्ट करने के बाद हो सकता है वो ना भी हो, मिसकंसेप्शन हो हमारा। बहुत बार ऐसा होता है कि उसकी ट्रीटमेंट अगर आप इनिशियल फेज में डॉक्टर के पास आते हो तो शायद 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा, जरूरी नहीं आपको 2 मिनट की दवाई लेना पड़े, जरूरी नहीं आपको ऑपरेशन करना पड़े। बट वही मेंटेलिटी हमको चेंज करना लोगों कि डिसीज के सिम्टम दिखते बराबर बैंगन खा लिया जिस कारण हो गया, तो ये मेंटेलिटी निकालिए। घर में 4 लोगों ने बैंगन खाए हैं, एक कोई तकलीफ की हुई, इसका मतलब ये है कि उनके रीजन में कहीं तो भी गड़बड़ है।
तो बेटर है यू कंसल्ट द डॉक्टर, गेट द ट्रीटमेंट, इट मे बी फॉर 7 days to 14 days और 3 weeks. राइट. एंड उस पेशेंट की तो बात की हम लोग ने, क्या होता है इसकी ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो किस तरह का ट्रीटमेंट? जैसा कि आयुर्वेद में या कोई भी जब भी ट्रीटमेंट होता है उसका रूट कॉज ढूंढना चाहिए. जैसे हमने बताया कि ये रूट कॉज है, डायरिया है तो ट्रीट. अगर आपका ज्यादा सिटिंग हो रहा है उसके कारण अगर हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे मॉर्निंग वॉकिंग कीजिए, सिटिंग अवॉइड कीजिए. अगर आपको एक घंटा बैठे तो 5 मिनट के लिए उठ जाइए, कई फाइल उठा लीजिए, पानी पी लीजिए, कुछ भी ऐसा काम कर लीजिए. मतलब आपका उठक बैठक शुरू रहनी चाहिए ताकि एक ही जगह पर बैठने के कारण जो ब्लड फ्लो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट होता है वो होगा नहीं, तो आपको वो स्पाजम डेवलप होगा नहीं. थर्ड, अगर पैथोलॉजिकल है, किसी कारण से पैथोलॉजिकल आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके बारे में ट्रीटमेंट किया जाए. पहले तो मतलब इन्फेक्शन बॉडी में तो वो निकालना चाहिए, या मतलब उसका कॉज ढूंढो. डॉक्टर भी आपको पूछेंगे, जिससे मेरे पास आने वाले पेशेंट को मैं पूछता हूँ आप क्या करते हो, हर एक को पूछता हूँ आप क्या करते हो, एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, अगर रिटायर्ड है तो पहले क्या करते थे. तो ये हिस्ट्री बहुत जरूरी है. रूट कॉज वो निकाल लो तो तकलीफ निकल जाएगी. और कुछ सम सॉर्ट ऑफ मेडिकेशन, स्वेलिंग आया तो उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक देंगे या समथिंग एंटीबायोटिक देंगे या कुछ आयुर्वेद के ड्रग्स है वो कुछ देंगे तो उसमें निकल जाती. और ये बीमारी के लिए बहुत लंबा समय लंबे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती एनोस्पाज्म के लिए. यानी ये एक बहुत इनिशियल स्टेज है, हमारा जो एनोस्पाज्म की जो तकलीफ है बहुत इनिशियल है. अगर ऐसे कुछ होता है तो आप डॉक्टर और बहुत कॉमनली होता है. फिर यानी एक शॉर्ट में जैसे ट्रीटमेंट की ये ऐसे ऑपरेट ही करना जरूरी है, सिचुएशन पे ऑपरेशन ही जरूरी है? नहीं ऐसा नहीं है. एक्चुअली कैसा है, फिशर डेवलप अगर हुआ है तो फिशर एक्यूट है कि क्रॉनिक है. मतलब हर मेडिकल ट्रीटमेंट में हम जाते हैं तो हर डिसीज के दो डिवीजन होते हैं, पहले एक्यूट या क्रॉनिक. बीमारी अभी हुई है मतलब एक्यूट है, बीमारी अगर पुरानी है मतलब क्रॉनिक है. तो एक्यूट फिशर है तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन करें. कुछ आयुर्वेदिक बहुत अच्छी मेडिसिन रहती है, वो मेडिसिन का कोर्स रहता है 1 मंथ का, 1.5 मंथ का, ऑइंटमेंट की मसाज होती है, उसके कारण अगर तो वो बीमारी बैठ जाती है. हाँ अगर क्रॉनिक है मतलब जैसा मैंने बताया था कि 3 वीक्स के बाद वाला है, जैसे फिशर डेवलप हो चुका है, पेन 3 वीक्स से आपको है, आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो या जनरल प्रैक्टिशनर से ट्रीटमेंट ले रहे हो लेकिन वो बीमारी नहीं बैठ रही है, तो दैट स्टेज बिकम क्रॉनिक. उसमें ऐसा होता है कि फिशर का सादा मतलब है जगह का फट जाना, टियर हो जाना. तो वो जो जगह फट चुकी है वहाँ पे फाइब्रोसिस डेवलप हो चुका है, उसका खुद का बेड बन चुका है. तो अगर उसका बेड बन चुका है तो इसमें ये कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं. तो जब तक वो बेड नहीं निकालेंगे, और दूसरी बात फिशर का मेन कॉज क्या है, एनल स्टिनोसिस. जब तक हम एनल स्टिनोसिस रिलीव नहीं करेंगे, मतलब रिंग छोटा हो चुका है, मोशन काफी बड़ी आई है, तो वो रिंग छोटे के कारण वो जगह बार बार फट रही है. तो पहला कॉज तो यही है कि वो बीमारी में जगह को बड़ी की जाए. जैसे मैंने बताया कि स्पिंटोलाइसिस किया जाए या स्पिंक्टर स्ट्रेचिंग किया जाए या मशीन के द्वारा डायलेशन किया जाए, तो वो करना जरूरी है. फिशर का बेड निकालना जरूरी है ताकि फिशर बीमारी पूरी तरीके से बैठ जाए. तो लेट द डॉक्टर डिसाइड व्हाट टू डू. मतलब पेशेंट ने घर में ये बैठ के सोचना नहीं है अरे यार वो फिशर हो गया अभी तो मुझे ऑपरेशन ही करना है या मुझे पेन बहुत ज्यादा हो रहा है. बहुत बार कैसा होता है कि पेशेंट का जो क्राइटेरिया रहता है, नहीं पेन बहुत ज्यादा है मतलब अब डॉक्टर के पास जाने के बाद मुझे ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. एक आध बार ऐसा है कि पेशेंट को पेन 2 मिनट के लिए रहे तो भी ऑपरेशन की जरूरत है, पेन 2 दिन के लिए रहे तो भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द डॉक्टर डिसाइड व्हाट टू डू, गो टू द डॉक्टर, टेक द प्रॉपर ट्रीटमेंट. तीसरी बात, अगर हम फिशर को निग्लेक्ट करते हैं तो क्या होगा? फिशर को निग्लेक्ट करने के कारण डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन होंगे. हमने ये सीरीज में ये देखा कि पहले एनास्पाज्म हुआ पेशेंट का, एनास्पाज्म टेम्पररी फेज था 7 to 20 days का, पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया, वो स्टेज पे चला गया एनास्टिनोसिस पे. अब जगह छोटी हो चुकी है, अब हो सकती है मसाज करके जगह बड़ी भी हो जाए लेकिन आप फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, आप क्रॉनिक स्टेज में गए. अब क्रॉनिक स्टेज में डॉक्टर बोल रहे कि आपको फिशर डेवलप हुआ है, वो जगह छोटी हो चुकी है, फिर भी आप ऑपरेशन नहीं कर रहे या दवाई भी नहीं ले रहे हो, डॉक्टर के पास आते 7 दिन दवाई ली फिर रिलीफ हो गया डॉक्टर को छोड़ दिया. ऐसे भी लोग हैं कि एनोस्टोसिस है, क्रॉनिक फिशर है, फिर भी ट्रीटमेंट आए 7 दिन की दवाई ली, ठीक लग रहा, घर में बैठ गए, फिर और 3 महीने बाद आएंगे, डॉक्टर साहब उस वक्त ठीक हो गया था अभी और तकलीफ हो रही. तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत बार एनल फिशर का, क्रॉनिक फिशर का खास करके मेजर कॉम्प्लिकेशन अगर क्या होगा तो वो है वहां पर होने वाले एनल एब्सेस. मतलब वो जो जगह फट जाती है वहां पर एनल कैनल में जो बैक्टीरिया ग्रोन होते हैं उनके कारण वहां पे इन्फेक्शन होता है, वहां पे पस पॉकेट बनते हैं, पस फॉर्मेशन हो जाता है. तो वो जो कारण उसको बोलते हैं एब्सेस. पस फॉर्मेशन अगर क्रॉनिक हो जाए तो वहां पर बनता है फिशुला.